घर की दशा सुधारने के लिए महिलाओं ने दशा माता का व्रत रख पीपल के पेड़ के नीचे पूजन किया। पूरा दिन पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। महिलाओं ने दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर में घर की दशा सुधारने और पति की लंबी उम्र के लिए की। पूजा और उपवास किए। सागौर में भी थाना परिसर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। इस पूजा में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? शिव जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। घर में सुख शांति रहती है और कच्चा धागे की पूजा करते हैं। उसमें 10 गठान बांध के गले में डालते हैं और फिर उसके 10 परिक्रमा लगाते हैं पीपल की, और इस तरह से हम पूजा करते हैं घर में सुख शांति। हम इसलिए करते हैं ताकि दसों दिशाओं से हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि और आरोग्यता और यश सम्मान सब मिलता रहे। यह हम हर साल होली के 10 दिन बाद मनाते हैं। इसके अंदर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसमें हम हल्दी कुमकुम से और कच्चे सूत से पूजा करते हैं, और फिर सारी महिलाएं मिलके सभी बोर की आंकड़े की पूजा करते हैं और भगवान से मनोकामना मांगते हैं कि हमारे परिवार को हमेशा इसी तरह सुख समृद्ध रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।